भारतीय टीम ने जीता एक तरफा वनडे मैच। तीसरे वनडे मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को 227 रनों से रौंद डाला है। अगर इस मैच की अगर आपको पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हाँ, अगर आप इंडिया टीम सच्चे फैन हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया पहले वनडे मैच में मात्र एक विकेट से हार चुकी थी और दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया महज 5 रनों से हार गई और तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया जब खेलने उतरी तो टीम इंडिया के सिरों ने बांग्लादेश की टीम के पसीने छिला दिए, जिसमें सबसे ज़्यादा रन टीम ईशान किशन ने 210 रन बनाए और विराट कोहली ने 113 रन बनाए। इसके बाद खेलने आई बांग्लादेश की टीम से सबसे ज़्यादा रन साकिब अल हसन ने 43 रन बनाए और रिटन दास ने 29 रन बनाए और इस प्रकार टीम इंडिया के बॉलरों ने बांग्लादेश की टीम के पसीने छुड़ा दिए। महज 34 ओवरों में टीम बांग्लादेश को घेरा कर दिया और टीम इंडिया के बल्लेबाज महज 182 ही रन बना पाए। इस प्रकार टीम इंडिया ने बांग्लादेश की टीम को 227 रनों से रोड डाला। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसमें जो सबसे अच्छी पारी खेली ईशान किशन ने। ईशान किशन को अगले वनडे मैच में श्रीलंका के खिलाफ होने जा रही सीरीज में खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ईशान किशन के आने से टीम इंडिया कितनी मजबूत हुई है, टीम इंडिया अगला वनडे मैच जीत सकती है या नहीं जीत सकती है।